भाई फोन के लुक यार, मतलब कितना प्यारा सा कलर है भाई इस पे, ये आईफोन जैसा नहीं लग रहा। हेलो गाइस, मैं विशाल और आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज मेरे हाथ पे है लावा युवा 3, जो कि भाई एक बहुत ही कम प्राइस की सेगमेंट पे ये आता है। और इसका प्राइस थोड़ा सा गेस करने का मौका देता हूँ, लेकिन नहीं मैं अभी बता दूंगा। इस फोन का प्राइस स्टार्ट होता है 6799 रुपीज से, मतलब इतनी कम दाम में इस फोन को लॉन्च करने जा रहा है लावा। और इसी फोन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इस बॉक्स के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक सिलिकॉन जो है केस देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फोन देखने के लिए मिल जाता है। इसे पहले साइड करते हैं और बॉक्स के अंदर यहाँ पर आपको जो है एक फ्री सर्विस एट होम वाला चीज देखने के लिए मिलता है। इसे भी साइड करते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक USB 2 Type-C जो है एक चार्जर देखने के, मतलब चार्जिंग केबल आपको देखने के लिए मिलता है। एक सिम इजेक्टर पिन देखने के लिए मिलता है एंड 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिलता है। तो चलो अभी फोन को निकालते हैं। और भाई फोन की लुक तो भाई आय हाय हाय हाय, भाई फोन की लुक तो कितनी प्यारी सी फोन है। और भाई पीछे ना आपको एक ग्लोसी बैक डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है। ओके, मतलब ये ग्लास नहीं, ये पॉलीकार्बोनेट दिया गया है। ओके, लेकिन भाई आप भी फोन की लुक को देखो भाई, कितना बढ़िया यहाँ पर आपको लुक देखने के लिए मिलता है। लावा जितने भी सारी अभी तक फोन निकाला है ना, फोन के भाई जो लुक है भाई काफी ज्यादा, मतलब काफी अच्छा लगता है देखने में। ये वाला देखो, ये है लावा युवा 2 और ये है लावा युवा 3। ओके, दोनों की डिजाइन देखो भाई, और दोनों की मतलब बहुत ही बढ़िया लुक के साथ आता है। और अगर बात करें तो भाई ये देखो, ये भी देख सकते हो, ये लावा की स्ट्रोम आया था। और भाई स्ट्रोम का भी भाई जो है डिजाइन एकदम ही अलग है, हालांकि ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ना एक ट्रिपल AI कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का, और AI कैमरा कहा गया है, फ्लैश देखने के लिए मिल जाता है। अगर नीचे बात करें तो यहाँ पर आपको जो है Type-C चार्जर मिलता है, एक 3.5mm जैक, और भाई यहाँ पर स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये ना आपको, मतलब यहाँ पर तो आपको साउंड वाला मिलता है, और ये है फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिल जाता है। ओके, डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। और यहाँ पर आपको जो एक पंच होल कैमरा देखने के लिए मिलता है जो की 5 मेगापिक्सल का है। और इसके UI के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर आपको एकदम क्लीन UI देखने के लिए मिल जाता है, मतलब कोई भी मतलब फालतू का एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो इसके कैमरे की कुछ सैंपल मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा, जो कि मैंने फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा से लिया है। इस पे ना आपको यूनिसॉक की T606 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर ये ना 2 लाख से भी ज्यादा एंटूटू स्कोर के साथ आता है, जिसकी वजह से ना आप जो है नॉर्मल गेम इस फोन में जो है आराम से खेल सकते हो। कैमरे की क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो भाई जो भी प्राइस रेंज में फोन आया है ना, उस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो भाई आपको ज्यादा पैसे देना ही होगा, नॉर्मल सी बात है। और इस पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लोग जो है डेली कुछ भी करो भाई बैटरी का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा ही। तो ये फोन जो है आपको दो वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा, एक तो है 4GB 64GB और दूसरा है 4GB 128GB वेरिएंट के साथ, और ये 3 कलर में अवेलेबल है। तो अगर 7000 के नीचे आप एक अच्छा वाला फोन ढूंढ रहे हो जिसको देखने में मतलब काफी ज्यादा प्रीमियम लगे, मतलब लुक अच्छा लगे, और फोन मतलब डिसेंट होना चाहिए जिसमें आप नॉर्मल सा गेम खेलना चाहते हो, तो लावा युवा 3 को आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसका सेल जो है कल से स्टार्ट होने वाला है, और इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाए। और इस फोन के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट पर बता दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।